हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज का इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आप रियलमी का डिवाइस यूज करते हैं तो वीडियो को एंड तक बने रहे। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि टॉप 5 बैटरी बैकअप टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 5 सेटिंग अगर आप अपने स्मार्टफोन में कर देते हो, अगर आपके पास कोई सा भी रियलमी का डिवाइस हो, 5 सेटिंग अगर आप अपने स्मार्टफोन में कर देते हो तो आपका बैटरी बैकअप है 100% बढ़ जाएगा, पहले से बेहतर दोस्तों आपको जो बैटरी बैकअप है हो जाएगा। ये 5 सेटिंग कैसे करना है आपको वीडियो को एंड तक बने रहे, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के बटन जो पहले आइकन दबा के ऑल पर प्रेस जरूर करें। चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो 5 सेटिंग आपको कैसे करना है और बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ाना है, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला सेटिंग आ जाता है दोस्तों, आपको मोबाइल का जो सेटिंग है ओपन कर लेना है। मोबाइल को जो सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे तरह से नीचे स्लाइड करना है। नीचे जैसे स्लाइड करते हैं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रियलमी के डिवाइस में बैटरी का। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो बैटरी का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर हमको क्लिक करना है। बैटरी पे हम जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहला सेटिंग आ जाता है आपको पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड पे आपको क्लिक करना है। पावर सेविंग मोड पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 सेटिंग आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा होगा पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड का अगर ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे तो दोस्तों आपको जो बैटरी बैकअप है पहले से बेहतर हो जाएगा। आप कोई सा भी रियलमी का डिवाइस यूज करते तो पावर सेविंग मोड को आपको ऑन करके रखना है, अगर आप बैटरी बैकअप को दोगुना करना चाहते हैं तो। बैटरी बैकअप इससे ऑन कर देने से दोस्तों आपको बैटरी बैकअप पहले से बेहतर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा सेटिंग के बारे में। दूसरा सेटिंग आपको क्या करना है, बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए दूसरा सेटिंग कर लेना है आपको। मोबाइल के सेटिंग में चल जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्लाइड करना है। इस तरह स्लाइड करने के बाद दोस्तों आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। ऐप मैनेजमेंट जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑटो लॉन्च ऐप। ऑटो लॉन्च ऐप पे आपको क्लिक करना है। ऑटो लॉन्च ऐप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन आपका शो होगा, तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से जितना भी एप्लीकेशन जो ऑन दिखाई दे रहा है इसे फटाफट से ऑफ कर देना है। ऑफ करने से क्या होगा दोस्तों कि आपका जो बैटरी बैकअप है बढ़ जाएगा। इसे ऑन रहने से क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है, अगर यहाँ मान लीजिए कि गेम स्पेस को हम ऑन कर देते तो ये हमारा जो गेम स्पेस बैकग्राउंड में रनिंग होते रहता है, तो इससे बैकग्राउंड में रनिंग होगा तो दोस्तों क्या होगा कि बैटरी बैकअप कंज्यूम होगा, तो आपको बैटरी बैकअप डाउन हो जाएगा, आपको बैटरी बैकअप बढ़ेगा नहीं। तो दोस्तों इसे अगर ऑफ कर देते हो तो आपको बैटरी बैकअप पहले से बेहतर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा सेटिंग के बारे में। तीसरा सेटिंग आपको क्या करना होगा, अगर आप बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हैं तो तीसरा सेटिंग आपको करने के लिए आपको सेटिंग में चल जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करते हैं यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाए गूगल का यूजर एंड अकाउंट का। आपको कुछ नहीं करना है, यूजर एंड अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। यूजर एंड अकाउंट पर जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर जितना भी जीमेल्स बनाया हो अपने स्मार्टफोन में वो जीमेल यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। जीमेल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करते हो दोस्तों इस पर क्या करना होगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैलेंडर कॉन्टैक्ट ड्राइव जीमेल यहाँ पर सभी में टिक लगा हुआ रहेगा, तो वो क्या करना, सभी को अनटिक कर देना है। सिर्फ कॉन्टैक्ट को और जीमेल को आपको टिक करके रखना है, बाकी दोस्तों आपको क्या करना है सबको अनटिक कर देना है। सिर्फ मेरा कॉन्टैक्ट को और जीमेल को मैंने टिक करके रखा है, बाकी सर वो ऑफ कर देना है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों बैकग्राउंड में ये सब रनिंग नहीं होगा, तो आपको बैटरी बैकअप पहले से बेहतर हो जाएगा। अब आपको चौथा सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, चौथा सेटिंग करने के लिए आपको चल जाना है मोबाइल की जो सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्लाइड करना है। आपको एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एडिशनल सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। एडिशनल सेटिंग में जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर नीचे चल जाना है। आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा, डेवलपर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर दो उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्लाइड करना है। आपको एक सेटिंग देखने को मिला बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो आपको नीचे इस तरह से स्लाइड करना है। देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट हमको देखने को मिल चुका है। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं नो बैकग्राउंड प्रोसेस, तो आपको उस पर टिक करके रखना है। तो इस पर टिक कर देने से क्या होगा दोस्तों, जो एप्लीकेशन जो आपको बैकग्राउंड में रनिंग होता है ये सब, तो दोस्तों ऑटोमेटिक से आपको ये क्लोज हो जाएगा। इससे जैसे बैकग्राउंड में ये सब रनिंग होता है तो आपको इसमें बैटरी बैकअप कंज्यूम होता है, तो आपको बैटरी बैकअप खराब हो जाता है। तो इससे आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर कर दोगे ये आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो
अब बता देता हूँ कि पांचवा सेटिंग आपको क्या करना होगा। पांचवा सेटिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं दो बातें मैं बताऊंगा, दो बात को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज लगाते हो दोस्तों, उस टाइम दोस्तों चार्ज लगाने के टाइम में आपको मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों आपके जो मोबाइल का जो बैटरी बैकअप है ख़राब हो जाएगा, पहले से ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों धीरे धीरे आपका बैटरी बैकअप ख़राब हो जाता है, नोटिफिकेशन आता है तो चार्जिंग टाइम में, या कॉल आता है, कुछ भी आता है तो आपको बैटरी बैकअप ख़राब हो जाता है। तो उस कॉलिंग चार्जिंग के टाइम में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बंद करके रखना है, नहीं तो आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करके चार्ज लगाना है। दूसरा बात बता देता हूं, जो आप थीम यूज करते हैं अपने मोबाइल में दोस्तों, आपको ओरिजिनल थीम यूज करना है, कोई अदर थीम यूज ना करें दोस्तों। क्या करते हैं बहुत सारे भाई, आप थीम स्टोर में चल जाने के बाद दोस्तों जो मन आया उसको पसंद आया वो अपनी थीम अप्लाई कर देते हैं अपने स्मार्टफोन में, उसका थीम यूज कर लोगे तो आपको जो बैटरी बैकअप है पहले से ख़राब हो जाएगा, बैटरी बैकअप आपका नहीं देगा। तो जो आप यूज कर रहे हैं ओरिजिनल थीम ही यूज कर रहे हैं, उससे क्या होगा दोस्तों, आपको बैटरी बैकअप बना हुआ रहेगा, बैटरी बैकअप हमेशा बढ़ते रहेगा, आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगा बैटरी बैकअप में। तो हमेशा ओरिजिनल थीम ही यूज करें।